चुकी, समय हो रहा है। वैसे तो रात भर हम लोगों को गाना है, रिंकू भैया रात भर हम लोग गाने के लिए ही आए हैं, चूंकि बहुत जल्दी जल्दी भी सुनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन बात वो नहीं आएगी जो लोग हम कहना चाहते हैं, चूंकि 30 मिनट में अपना गाना जवाब देना, कटपीस गाना बहुत कम हो पाता है, लेकिन हो जाएगा, बस हम कुछ कहें नहीं, सीधा सीधा गाते जाएंगे, उसमें आनंद नहीं आएगा। आइए, एक कटपीस का दौर शुरू हो गया है, बिल्कुल बेटे, और मैं चाह रही हूँ आदरणीय भैया जी, बाकी भैया जी, आपके लिए बहुत साधारण सा कटपीस दूं, क्योंकि पहला मेरा कटपीस है, और सुनिएगा, सुनिए, गीत भी बहुत साधारण रहा है और कटपीस भी बहुत साधारण रहेगा, सुनिएगा, सुनिए, फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं क्या, सुने होंगे आपने और आप लोगों ने भी सुने होंगे। रिंकू भैया, जो मैं कहूंगी बात बिल्कुल खुली होगी, लेकिन आनंद आएगा, ना हमारे साथी कलाकार को कोई दिक्कत हो और ना ही आप लोगों को कुछ ऐसी बात लगे कि बांके भैया के लिए मुश्किल है या हमारे लिए मुश्किल है। सुनेगा, सुनने वाले गा रहे हैं क्या क्या, पांडे जी आपकी तरफ से 51 पद मुद्राएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, एक कटपीस को सुनेगा। Na 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 na
हमारे सम्मानिशी राम प्रकाश बाबू जी आपकी तरफ से 51 पद मुद्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। बस आप लोगों को आनंद आ रहा है, इतना मुझे बहुत आनंद आ रहा है। चलिए सुनिए सुनिए। माता कहके कौन भवन में पहुंच गई है, ये बात महाराज दशरथ को मालूम हुई। महाराज दशरथ पहुंचे, बोले हे प्रिय, हे प्रिय, हे कैकई, हे कैकई, तुम्हारी ये दशा। ये दशा बात क्या है, या किसी ने तुम्हारी तरफ उंगली उठाई हो तो उसका हाथ कटवा दो। हाथ क्या, उसकी दसों उंगलियों के नाखून खुचवा लूं। किसने तुम्हारी तरफ अगर नजर उठाई हो तो उसकी आंखें फुड़वा दूं, ताकि वो जिंदगी भर ब्लैक कलर का चश्मा लगाकर घूमे। नहीं महाराज, नहीं ये सब नहीं, केवल दो वरदान दे दीजिए। अरे मैं भूल गया, दो के बदले चार मांग लो। और क्या, चार नहीं महाराज, दो ही दे दो। मान क्या रहे हैं कि सुना हो प्राण प्रिय मोहम्मद जी का, दे हुए के बर भर तैटी महाराज। यही महाराज भूमि पर गिर पड़े हैं विधाता, ये क्या हो गया है, ये क्या हो गया है। अरे लागी अवधि को किसी की नजरिया, सफेदी में दाग लागा, चंद्रमा में दाग लागा, कुल में दाग लागा, दामन में दाग। सम्मानी हमारे डीके महाराज जी बिचौली 51 पद मुद्रा है, धन्यवाद। सुनेगा कि जाके अपनों की गाथा बताओ कैसे और छुपाओ लागी रघुकुल में आग बुझाओ।
हूँ कैसे लाडी बजे जी, आपकी तरफ से 51 मत मुद्रा है, लेकिन सुनिएगा सुनिएगा। आग दो जगह लगी है, एक लगी है अयोध्या में तो दूसरी तरह लगी है लंका में। एक लगाई मंथरा ने जिसका कोभर टेढ़ा मेढ़ा, एक लगाई हनुमान जी ने जिनकी पूछ टेढ़ी मेढ़ी। पूछ टेढ़ी मेढ़ी, यहाँ तक के पूछ की गलियां टेढ़ी मेढ़ी। ये छोटा सा प्रयास रहा है भैया हमारे माँ के भैया जी, आपकी सेवा में पुनः आ रहे हैं सुंदर सा चक्री लेकर के। बाकी भैया बहुत आनंद आएगा बस इसी तरह के जलिए, और बिल्कुल हम लोग बस इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, बस सुनाने का प्रयास करेंगे। अच्छा अच्छा समय अनुकूल कल्पना जी बड़ा सुंदर चक्र लेकर के आई आप, और मैं क्या कहूँ आपके गाने की, क्या उपाधि दे दूँ ऐसे गाने जो यहाँ पब्लिक तो नहीं है लेकिन आप उसको गा रही हैं, क्या समझ के गा रही हैं। मैंने कुछ नहीं कहा था इनसे, सिर्फ गाना ही दोहराया था कि बाली उम्र में ऐसा काम कर दिया। तो ये बाली उम्र की मैंने थोड़ा कहा था, ज्यादा कुछ नहीं कहा था। मैंने तो आपका सम्मान किया था कि यदि नारी सर्वत्र पूजे थे कि नारी पूजनी है, हम कुछ नहीं कहेंगे आपसे, कुछ नहीं कहेंगे। मैंने तो ये भी कह दिया था कि आप चाहे पुरस्कार खुद ले लें, मैं आपको अभी दे दूं, लेकिन आप पुरस्कार को देख करके गा रहे हैं। कह रहे नाम बांके बिहारी है, नाम लक्ष्मी है कंडा पाथऊ, क्या मतलब इसका है? इसका क्या मतलब है? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, मैंने तो आपको सम्मान ही किया था, क्योंकि कुछ लोगों को सम्मान जो है हजम नहीं होता है। सही बात है। हेलो हेलो हेलो, बढ़ा दीजिए भैया, चांटी बढ़ा दीजिए, चांटी बेस भी थोड़ा बढ़ा दीजिए।
क्या बात है, चाटी थोड़ा और बढ़ाइए। हेलो 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 पचास रुपए देवू ठाकुर और चिंटू ठाकुर की तरफ से प्रदत्त हुआ है और उनका कहना है कि ऐसे गाने तो हम भी गा लेते हैं। भाई वाह, ऐसा गाना नहीं है जैसा गाना गाया है आपने, बहुत अच्छा प्रयास किया है और ऐसा गाना हर कोई नहीं गा सकता है जितना आपने गाया है, बहुत अच्छी बात है। जो तराना आपने लगाया है काफी हद तक लगाया है, वैसे तराना तो उसमें बहुत है, बहुत बड़ा तराना है, इसको हर कोई सेट नहीं कर सकता है, इसको हर मंच पे कोई लौटा सकता है। और आजकल कीर्तनकार पता नहीं क्या समझ के सरगम तराना गा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, ये चिल्लाहट यूट्यूब पे तो दिखानी है। हाँ, शुद्ध गाना तो गा नहीं रहा था, मैंने शुद्ध गाना गा दिया। अरे लोगों तुम्हें क्या है, ये यूट्यूब में सुनेंगे सब लोग कैसा गाया आपने, बस उसी को शुद्ध गा जाती तो सब कुछ ठीक हो जाता। कोई बात नहीं, लेकिन यूट्यूब में भी सुनने वाले लोग हेलो 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 पचास रुपए देवू ठाकुर चिंटू ठाकुर नेमतपुर वाले प्रदान कर रहे हैं और उनका कहना है कि ऐसे गाने मत गाइए जिससे कि पब्लिक भाग जाए। सही बात, अच्छी बात। प्रयास कर रहा हूं, बहुत बढ़िया। आपने जो गीत पढ़ा उसको सुनिएगा। हुल्लावा सुनरी मैदान तराना कुछ भरा आपने अपने अपने तरफ से कुछ तराना भरा। अरे फिल्मी दुनिया की तराना आपने गा दिया और क्या, कुछ अपना तराना उसमें भर के लेकर आती तब तो ये आपका गाना जायज था, बना ये गाना आपका जायज है।
अपनी बात उसमें रखिए तराने में। फिल्मी दुनिया तो कह रही कि धीम तना नाना, आपने धीम तना नाना की जगह क्या क्या उसमें भरा, कुछ उसमें लिखा कि नहीं लिखा, तराना गा दिया। ये कलाकारों की आदत हो गई है कि कलाकार किसी प्रकार बिद जाए और वो गा ना पाए। अरे जो मुख्य बात आपकी है जवाब की वो सुनिएगा, आपने गाया क्या है उसका जवाब देखिए आप कहां से निकाला है। आपने क्या कहा, क्या फुल्लागी रग गुल में बेटा तुम्हारी ढोलक सुन करके लोग ढोलक सुधारने लगे। ये है ढोलक। हमारे दीपू चौहान जिनके स्वजन से ये कार्यक्रम हो रहा है, ये 50 रुपए हमारे रविंद्र भाई के लिए प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको कहते हैं ढोलक, बार बार नोटों की बोछार। थोड़ा चाटी भी बढ़ा दें, बहुत बहुत धन्यवाद है, चाटी की आवाज बढ़ा दें। लागी रे लागी लागी रे लागी, आवाज है जियो बेटा जियो। लागी रे लागी रे लागी, लागी अवध को किसकी नजरिया, अब जीने का कोई नजरिया, नजरिया और जरिया जो आपने कहा है बस उसको सुनिएगा, नजरिया और जरिया का जवाब। और फिर कहा आपने दशरथ जी करी लागी रघुकुल में आग, रघुकुल में आग कहाँ लग गई भैया। अभी तो किसी को पता ही नहीं चला कि कहीं ने दो वरदान मांगे हैं। ये तो मामला बड़ा गुप्त का था, अंधेरे का था, एकांत में कोप मन में उनकी बात थी। अभी तो रघुकुल के बात ही नहीं फैले थी और आप देने लागी रघुकुल में आग, बुझाऊं कैसे लागी रघुकुल में आग। भरत ने माँ से कहा कि पर मांगत तुई हुई न पीरा और गिरी न जीव मुह पर परे न कीरा, ऐसा वरदान तूने मांग लिया भरत को राज तिलक भगवान को बनवास, ये तीनों क्या कर दिया माँ तूने क्या कर दिया। अब देखें आग कहाँ पे लगी है, भरत क्या कह रहे हैं, वो जो जरिया जरिया का आपने प्रयोग किया उसका जवाब सुनिए। पढ़ाई लिखाई का मजा सुनिए आप लोग, नाखून उखाड़ने वाली बात नहीं होगी यहाँ। जरे है ना कोई ना कोई जरिया, अरे माँ ना कोई
कोई जर है ना कोई जरिया है, और तूने ऐसा कर डाला काम। जर है ना कोई ना कोई जरिया, और राम को बल तूने भेजा जबरिया, राम को बल तूने जबरिया भेज दिया। बहुत अच्छा है। जाते जगवर को अब मैं मनाऊं कैसे, लौटाऊं कैसे, क्यों लागी इस दिल में आग, लागी अब दिल में आग बुझाऊं कैसे, लागी अब दिल में आग बुझाऊं। पचास रुपए हमारे भैया श्री रिंकू जी के ससुर साहब भैया सत्येंद्र सिंह जी, और जो कि रिंकू जी के ससुर साहब हैं गोरा भूपा वाले, प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। भरत करे है मां सही जवाब। लागी अब दिल में आग बुझाऊं कैसे, लागी अब दिल में आग बुझाऊं कैसे, लागी अब दिल में आग। अब देखे आपने कहा कि जैसे ही देवताओं को मालूम चला तो वो नाचने लगे, लेकिन मेरा मानना है इधर जब भरत ने माँ से खरी खोटी सुनाई, जब माँ से खरी खोटी सुनाई तो उनकी साची बात पर, साची बात पर कि भरत ने मैंने तो सोचा था, अयोध्या वाले सोचने लगे कि मैंने तो सोचा था कि भरत आगे राजगद्दी संवार लेंगे, लेकिन ये भरत ने अपने माँ को ही फटकार दिया तो अयोध्या वाले नाचने लगे। कैसे नाचने लगे? कैसे वो दीम ताला ला 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 तनु ताला ला 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 दीम ताला ला 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 तनु तनु दीम ताला ला 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 तनु तनु दीम ताला ला 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 दीम ताला ला 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 तनु 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 दीम ताला ला 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 तनु 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 दीम ताला ला 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 नादर निला नादर निला नादर निला नादर निला करकर 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 धाम थोड़ा बहुत प्रयास है मैं करता हूँ, मैं ज्यादा बड़ा कलाकार नहीं हूँ, बड़ा सरल गायक हूँ, और जो भी प्रयास है उसको आप स्वीकारिए। मैं तो कहता हूँ आपका प्रयास बहुत अच्छा है, आपका गाना बहुत अच्छा है, बिल्कुल, लेकिन आप ठीक है जैसा गाए, रात भर आप गाए जितने कठिन गा सकते हैं, आज आपको खुली छूट है, लेकिन मैं जितना भी प्रयास है आपको करता रहूंगा। बहुत बढ़िया प्रयास है आपका। घर की सेटिंग अलग होती है, मंच की अलग अलग। हेलो हेलो, हमारे 50 रुपए का आविष्कार भैया देवू ठाकुर और नेमत वाले।